शुक्रवार को जम्मू के नगरोटा में हुई मुठभेड़ को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के अफजल गुरु स्क्वाड के सदस्य थे और इन तीनों आतंकियों को जैश के सरगना मसूद अजहर ने खास तौर पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की 9 फरवरी को आ रही बरसी और 14 फरवरी को पुलवामा हमले की पहली बरसी पर कश्मीर में बड़ा हमला करने के लिए भेजा था। जिस ट्रक में ये तीनों आतंकी जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, उस ट्रक की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले। बरामद गोला बारूद में अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन राइफल, करीब 6 AK-47 राइफल, पिस्टल, कई मैगजीन समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद शामिल हैं। नाइट विजन टेलीस्कोप से लैस अमेरिकन M4 कार्बाइन राइफल आमतौर पर स्निपिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैश मोहम्मद के तीन आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों को एक IED भी मिली है, जिसे आतंकियों को किसी तीसरे शख्स की मदद से नगरोटा के पास प्लांट करना था। इसके साथ ही इन आतंकियों के पास से बख्तरबंद गाड़ियों को भेदने वाला स्टील कोर गोला बारूद भी मिला है। इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि जिस ट्रक में तीनों आतंकी सवार थे, उसका ड्राइवर पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आदिल डार का चचेरा भाई समीर डार था। समीर डार जैश का ओवरग्राउंड वर्कर था और वो इसी तरह अपने ट्रक में छुपाकर पहले भी आतंकियों को कश्मीर ले जा चुका है। वारदात के वक्त समीर डार के साथ सहचालक आसिफ अहमद मालिक और उनका एक और सहयोगी सरताज अहमद मंटू भी था, जिन्हें सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।